हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई रेस में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी करेगा। जब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ने शुरू किए। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी करेगा। वह जीत करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 ही घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम आगे लगातार बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।